नमस्कार आदाब सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फायका जावेद। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं कश्मीर का रियल फेस आप तक भरपूर पहुंचाने की कोशिश करती हूं, इंडिया के रियलिस्टिक फेसेस से आपको आगाह कराती हूं और कई ऐसी रियलिस्टिक स्टोरीज आपको दिखाती हूं ग्राउंड पर, और कुछ कश्मीरी लोगों से आपकी बातचीत कराती हूँ। तो आज हमारे पॉडकास्ट पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं कश्मीर से एक सोशल एक्टिविस्ट, खुबैब मीर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी चैनल पे। थैंक यू सो मच फाइका फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। देखिए, आपसे जानेंगे आप सोशल एक्टिविज्म में कब तक है, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बता दें अपने प्रोफेशन के बारे में, कब से आप सोशल एक्टिविज्म कर रहे हैं और आप आपकी कौन सी एनजीओ किस नाम से चल रही है। मैं आपको बताते चलूं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम वॉइस ऑफ यूथ है। हम पिछले 6-7 साल से ऑलमोस्ट हम ग्राउंड लेवल पे है काम कर रहे हैं, ना कि खाली श्रीनगर में बल्कि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी। हमारे साथ 21 स्टूडेंट यूनियंस है जो अलग अलग कॉलेज में है। प्लस दैट वी हैव द कोर कमिटी ऑफ 25 मेंबर्स एंड द और वॉलेंटियर्स एंड एग्जीक्यूटिव कमिटी इज अबाउट 1500 वॉलेंटियर्स। सो पिछले 6-7 साल से हम ऑन ग्राउंड काम करे, जिसमें हमने काफी एक्टिविटीज की है, सच एज द ब्लड डोनेशन कैंप्स, मेडिकल कैंप्स, या काउंसलिंग एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ ड्रग पेडलर्स एंड एडिक्ट्स। स्टोन पेल्टर्स की हमने काउंसलिंग सेशंस किए हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाया है। आउट आई रिमेम्बर इन 2018 हमने पूरे साल में 310 स्टोन पेल्टर्स को काउंसिल किया था, जिसमें से हमने सक्सेसफुली जो है 280 स्टोन पेल्टर से ग्रेट इन बॉन्ड लिया था, जिन्होंने उस पर लिखा था दैट वी विल नेवर डू दिस अगेन, ये सब गलत है। एंड बहुत खुशी खुशी मेन स्ट्रीम में है, लाइफ जी रहे अपनी पॉजिटिविटी से। देखिए, आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि पाकिस्तानियों का भी ये कई प्रोपेगेंडे चलाते हैं कश्मीर के नाम पे। आपसे जानेंगे, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हो, कश्मीर से हो, कैसा सपोर्ट आपको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से देखने को मिला और इंडियन आर्मी ने कहाँ कहाँ पे आपका सपोर्ट किया। देखिए, अगर हम अपने पाकिस्तान की बात कहीं अगर देखेंगे तो पाकिस्तान जब से 1947 में एक अलग मुल्क बना, तब से वो उनका काम ही है कि कश्मीर के रिगार्डिंग प्रोपोगंडा जो है क्रिएट करना, वेदर इट इज 1947 का कबालीज अटैक, उसके बाद 1971, 1964 चाइना, 1989 से तो हम देखेंगे कि उन्होंने यहाँ पे एक टेररिज्म को स्पॉन्सर किया, एंड तब से कंटिन्यूसली जो है, ना कि पाकिस्तान, बाकी जो पाकिस्तान डायस्पोरा पूरे वर्ल्ड में है, वहाँ से एक प्रोपोगंडा कश्मीर पे चल रहा है कि कश्मीर में बंद है, कश्मीर में वो हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन वी आर द पीपल हु आर लिविंग इन द कश्मीर। ये जो प्रोपोगंडा ये फैला रहे, वो लोग फैला रहे जिनको इवन के कश्मीर के कुछ डिस्ट्रिक्ट का नाम भी नहीं पता होगा। आई एम फ्रॉम द श्रीनगर, मैंने अभी कभी लाइफ में ऐसा नहीं देखा है जैसा वो लोग कह रहे हैं। वो तो इवन अभी भी कह रहे हैं कि अभी भी कश्मीर बंद है, आज आज की डेट में भी कश्मीर बंद है, 2023 में भी कश्मीर बंद है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे लोग वर्किंग में है, लेकिन ये जो प्रोपागंडा फैल रहा है, ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं हुआ। प्लस आपने बताया कि इंडियन आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन, ऑब्वियसली हमें एक पॉजिटिव सपोर्ट हमेशा हम चाहते हैं, एंड हमें पॉजिटिव सपोर्ट ही हमेशा मिलता है, चाहे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हो या बाकी इदारे हो सरकार के, हर जगह से सपोर्ट मिलता है। ऑब्वियसली एक अच्छा काम करने में आई डोंट थिंक कि कोई होगा कि जो अच्छा काम करने को इंसान को रोकेगा। हाँ, कोई इंसान इंटरनेशनल एक्टिविटीज में इंडल्ज होगा या कुछ सोशल इवेंट्स में इंडल्ज होगा स्प्रेड करने में, इसलिए उसको तो लोग रोकेंगे ही ना, उसको खाली एडमिनिस्ट्रेशन है, वो हम सब की कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है हम सब की कि हम उनको रोके। रेस्ट आई डोंट फील कि हमें कभी किसी अच्छे काम को करने से कभी रोका गया। देखिए, आर्टिकल 370 और 35 की मनसूखी के बारे में अगर हम बात करें तो उसके बारे में भी कई प्रोपेगेंडे चलाए गए। पाकिस्तानी लोगों का ये दावा था कि हम 5 अगस्त के दिन कश्मीर डे मनाते हैं, यानी कि कश्मीरियों के लिए वो ब्लैक डे था। क्या कहना चाहोगे एज ए कश्मीरी, आपको क्या लगता है कि डेवलपमेंट्स हुई या फिर आर्टिकल 370 की मनसूखी और 35 की मनसूखी एक प्रोपेगेंडा था जो हमारी गवर्नमेंट ने चलाया था, या फिर पाकिस्तानी लोग हमारे नाम पे चला रहे हैं? क्या मैसेज देना चाहोगे आप? देखिए, आपने बोला 5 अगस्त को वो ब्लैक डे मनाते हैं, अगर मनाना होता हम कश्मीरी मनाते, वो पाकिस्तान क्यों मनाएंगे?
पाकिस्तानी लोग क्यों मनाएंगे? ओके हम तो 5 अगस्त को तो यहाँ पे खुला होता है। पिछले साल भी जो ओ 5 अगस्त यहाँ पे तो सेलिब्रेशन हमने देखे लोगों के, सब कुछ मार्केट्स ओपन थे, टूरिज्म चल रहा था अच्छे से। ब्लैक डे मनाना होता हमने मनाना था ना। उन लोगों का जी काम है कि वर्ल्ड वाइड एक ये प्रोपगंडा स्प्रेड करना जिससे कश्मीर की इमेज जो है वह डेंट हो जाए। वो चाहते ही नहीं है कभी कि कश्मीर जो है प्रोग्रेस हो जाए। ये जो लोग भी है जो प्रोपगंडा फैला रही है, कश्मीर के सबसे बड़े दुश्मन है। जी यहाँ पे टूरिज्म बूस्ट हो रहा है, इकोनॉमी उससे हमारी जनरेट हो रही है। कश्मीर की जो इकोनॉमी है ज्यादातर टूरिज्म पे ही डिपेंड होता है। अब जब ये प्रोपगंडा वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो रहा है कश्मीर में, वो है ये है ब्लैक डे है, फलानी डे है, फिस्तानी डे है, तो टूरिस्ट कहाँ आएंगे? हम तो अभी डोमेस्टिक टूरिस्ट छोड़, हम तो अभी फॉरेन टूरिस्ट टारगेट कर रहे हैं। इस साल जो जी G20 समिट हो रहा है, टूरिज्म ग्रुप यहाँ आ रहा है, उससे के बाद तो हम एक फॉरेन टूरिस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं, कश्मीर आए, हमने मूवीज की शूटिंग्स देखी है, तो क्यों ना हॉलीवुड यहाँ है, बॉलीवुड तो आ रहा है, क्यों ना हॉलीवुड आए, हॉलीवुड की शूटिंग्स यहाँ गुलमर्ग में हो, पहलगाम में हो। लेकिन ये जो है इनके प्रोपेगेंडे इस सब को जो है वेस्ट कर रहे हैं। ये चाहते ही नहीं है कि कश्मीर प्रोग्रेस हो, क्योंकि एक बार ही अगर कश्मीर प्रोग्रेस हुआ, कश्मीर का जो नौजवान है उसके दिमाग में बात बैठ गई, जी हमें पॉजिटिविटी की ओर जाना है, इनका प्रोपोगंडा तो दुनिया में चलेगा ही नहीं ना। ये जो कुछ जी यहाँ चंद नौजवानों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उनको टेररिज्म की ओर जा रहे हैं, वो तो इनका बंद हो जाएगा ना, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। रेस्ट थ्री अगेन बात सेवेंटी कर के दूंगी। एप्लीकेशन के बाद हमने एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स लोगों की तरफ से भी देखा, डेवलपमेंट्स भी देखे कितने हुए। यूएई ने अभी रिसेंटली 15,000 CR का डेवलपमेंट किया, जिसमें हमारा यहाँ श्रीनगर में इमार का एक कंस्ट्रक्शन हो रहा है, स्मार्ट सिटी बन रही है। इससे पहले गवर्नमेंट ने तो ऐसा नहीं सोचा कि स्मार्ट सिटी हो। या हमारे एक यूथ के लिए एक नया इनिशिएटिव लिया कुछ 370 के बाद गवर्नमेंट ने, मिशन यूथ। इससे पहले गवर्नमेंट ने तो एक अभी इनिशिएटिव नहीं लिया था मिशन यूथ का। मिशन यूथ क्या है? मिशन यूथ है कि हम यूथ को रिहैबिलिटेट करें, यूथ को एंगेज करें। जी हमारा बिजनेस ग्रो हो रहा है डे बाई डे, हमारा टूरिज्म ग्रो हो रहा है डे बाई डे। लास्ट ईयर अगर हम देखेंगे, श्रीनगर एयरपोर्ट वॉज द इन द टॉप 5 रशिड एयरपोर्ट इन द कंट्री। वो कि लोग आ रहे हैं यहाँ। दीज आर द पॉजिटिव थिंग्स, वी ऑलमोस्ट वेलकम दिस, एंड हमें उम्मीद रखनी है आगे और भी हम ज्यादा डेवलप हो। देखिए, अगेन बात करना चाहूंगी G20 के हवाले से। तो G20 के हवाले से वही दूसरी तरफ हमारी सरकार ये दावा कर रही है कि G20 से शायद ही कश्मीर में डेवलपमेंट हो सकती है, इंडिया में डेवलपमेंट हो सकती है, और हो भी रही है। लेकिन वही बात करें पाकिस्तान की, अगेन बात करना चाहूंगी, पाकिस्तानी ये दावा करते हैं कि कश्मीर को वो सोने की चिड़िया समझते हैं, कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं होगी, कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। कई एहतजाज हुए, कई प्रोटेस्ट हुए, जहां पे पाकिस्तानियों ने ये दावा किया कि कश्मीर में जो है G20 समिट नहीं होना चाहिए, कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे एज ए कश्मीरी, क्या लगता है आपको? देखिए G20 जब से इंडिया ने उसकी प्रेसिडेंसी ली है, पाकिस्तान तो अगर हम देखेंगे तब से ही वो एक फ्रस्ट्रेशन मोड पे आ गई है। अभी कश्मीर में हो रहा है G20 समिट, हिस्ट्री बनने जा रही है। मैं आपको फिर से, मैंने एक चीज पहले रिपीट की, वो नहीं चाहते यहाँ प्रोग्रेस हो, यहाँ डेवलपमेंट हो। ऑब्वियसली G20 से, G20 को हमें समझने की जरूरत है। G20 है क्या? जो पूरे दुनिया के टॉप 20 इकोनॉमिकल साउंड कंट्रीज है, वो कश्मीर आ रही है। ऑब्वियसली इन चीजों से हम डेवलप होंगे, वो देखेंगे ना कि कश्मीर क्या है। अब रही बात पाकिस्तान की, वो तो अभी खुद को नहीं संभाल पा रहे हैं। आई थिंक उनको अपनी अभी हालातों पे देखना चाहिए कि वहां उनके कंट्री में क्या हो रहा है। एक जिस कंट्री में एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सेफ नहीं है, आई डोंट थिंक इसके बाद कुछ बोलने की जरूरत है उस कंट्री के लिए। हमने रिसेंटली देखा है वहां के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का वीडियो, वो कहीं जा रहे थे तो उनके सर के इर्द गिर्द भी वो ब्लेड प्रूफ काउच लगा के था, वो पूरा कवर करके। जब उनका अपना प्राइम मिनिस्टर सेफ नहीं है, तो हाउ कैन दे क्लेम ऑल दीज थिंग्स? वो अपने मुल्क की हालत सुधारे, वहां की इकोनॉमी पे ध्यान दे, वहां लोगों के मसले हल करें। हमें पता है हमें क्या करना है। देखिए, टेररिज्म की अगर हम बात करें तो आप एज ए कश्मीरी 2014 से पहले की अगर हम बात करें तो कश्मीर का सिनेरियो कैसा देख रहे थे, और अब की अगर हम बात करें
आपका स्नैरियो कैसे देख रहे हैं, क्या लगता है आपको कि टेररिज्म में किस प्रकार से बेहतरी आई है या ड्रग अब्यूज में किस प्रकार से बेहतरी आई है? देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं कि इन 2014 आई वाज अ किड, मैं 9th क्लास में पढ़ता था, बट आई रिमेम्बर द सीन्स। हड़ताल भी हुआ करते थे, बाकी बंद वगैरह जितना भी, स्टोन पेल्टिंग तो काफी ज्यादा पीक पे थी। आई लिव इन दैट पार्ट ऑफ द श्रीनगर जहाँ से स्टोन पेल्टिंग का आगाज होता था फ्राइडे के दिन। आई माई सेल्फ फ्रॉम द डाउन टाउन एरिया। लेकिन फिर 2014, मैं नहीं बोलूंगा कि 2014 में चेंज आई, 16 भी काफी एजिटेशन रहा पूरे कश्मीर वैली में। 2019 वाज द मेन थिंग जहां पर चेंज आई, जब 370 एब्रोगेट हुआ, तब से हमने देखा कि स्टोन पेल्टिंग तो पहली बंद हुई, हड़ताल वगैरह कोई अब नहीं हो रहा है। अब रही बात ड्रग्स की, ड्रग्स यहाँ पे दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, ना कि कम हो रहे हैं। लेकिन ये भी हमें पता है कि ड्रग आ कहाँ से रहा है। जैसे पाकिस्तान पहले टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा था ना, उन्होंने एक और चीज अपनाई है कि नार्को टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, ये ड्रग सारा उसी बॉर्डर एरिया से ही आते हैं, वहीं से इन्फिल्ट्रेट होते हैं। यही कोशिश है कि कश्मीर की जो नौजवान है उनको खराब करे, कश्मीर की जो नौजवान नस्ल है उनको खराब करे, वो कुछ करने के लायक ना रहे, ताकि उससे उनका जो प्रोपागंडा है जो वो फैला रहे हैं वो इजीली फैल पाए। लेकिन इंशाल्लाह हम सबको कलेक्टिवली इसमें, आपको मुझे या पूरी सोसाइटी को इस ड्रग से खिलाफ लड़ने की जरूरत है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ मेजर स्टेप्स लेने की जरूरत है, पुलिस को मेजर स्टेप्स लेने की जरूरत है, जिससे ये जो एक बीमारी हमारी हमारे समाज में फैल रही है इसको जल्द से जल्द रोकने की जरूरत है। जी, अगर बात करें हम इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी के रिलेटेड भी काफी प्रोपेगेंडे चलाए जाते हैं पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तानी लोग ये दावा करते हैं कि हर घर के बाहर इंडियन आर्मी होती है, इंडियन आर्मी जो है लोगों पे जुल्म ढाती है, कश्मीरी पे जुल्म ढाती है, वहां पे लोगों के साथ जुल्म करती है, लोगों को बेवजह डिटेंशन सेंटर्स में बंद किया जाता है। यहाँ पे हमारे दर्शक भी है, आप एज ए कश्मीरी, इस बात में आपको क्या लगता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? ये हमारी आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडे है, एज ए कश्मीरी क्या लगता है आपको, क्या मैसेज देना चाहोगे आप खासकर पाकिस्तानियों को? देखिए अगर आर्मी की बात करें, नो डाउट कि यहाँ पे आर्मी, इंडियन आर्मी की जो प्रेजेंस है, लेकिन वो क्यों है यहाँ पे? जो दहशतगर्दी, हम हमें उनसे कौन बचाएगा? हम आम जी इंसानों को, इनोसेंट लोगों को उस दहशतगर्दी से कौन बचाएगा? या तो हम लोगों ने खुद निकलना है, लेकिन हम लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। सो सिक्योरिटी फोर्सेस है ना जो हमें प्रोटेक्ट करेंगे, हो जाए दहशतगर्दी बंद, लेकिन पाकिस्तान नहीं चाहेगा ना कि यहाँ दहशतगर्दी बंद हो। जी अब रही बात कि आर्मी के यहाँ क्या है, 2014 में जब यहाँ पे फ्लड आया तो तब भी हमने देखा कि इंडियन आर्मी सामने आई, लोगों को हेल्प किया, रिहैबिलिटेट किया लोगों को। हर एक टाइम पे अर्थक्वेक कोई आता है, इंडियन आर्मी हेल्प करने आ जाती है। कहीं दूर विलेज में, बॉर्डर एरियाज में लोगों को जरूरत होती है, इंडियन आर्मी हेल्प करती है। अभी कोविड हो गया था, मैंने खुद, मैं उस चीज का गवाह हूँ, मैंने श्रीनगर या बाकी डिस्ट्रिक्ट में देखा कि इंडियन आर्मी जो है वो मेडिसिन्स दे रही है जिनको जरूरत है, जो जरूरतमंद लोगों को, उनको खाना दे रही है। तो कभी भी कोई भी डिजास्टर होता है, नेचुरल डिजास्टर आता है, इंडियन आर्मी हेल्प करने जाती है। तो ये तो वो फजूल सी बात हुई कि इंडियन आर्मी यहाँ वो ये चीजें करती है, जुल्म करती है। आई डोंट थिंक कोई जुल्म है। कि लास्ट में आपसे जानना चाहूंगी कि पाकिस्तान का जो इस टाइम पे स्नैरियो है, पाकिस्तान में जो इस टाइम पे उसी मुल्क में जो है क्या से क्या स्नैरियो चल रहा है, उस बात से पूरी वर्ल्ड की आवाम जो है आगाह है। क्या लगता है आपको, क्या रीजंस हो सकते हैं वो दिन ब दिन पाकिस्तान बर्बाद होता जा रहा है, दिन ब दिन उनके प्रोपेगेंडे जो है वो अपने ही लोगों के लिए चलाते हैं? चाहे आपने अभी उनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बात करी, क्या लगता है आपको, क्या क्या मेन रीजंस हो सकते हैं उनकी बर्बादी के पीछे? देखिए मैं इसको ऐसे आपको जवाब देना चाहूंगा कि हमारा जो रिलीजन है उसके एक मैं तशरीह आपको बताऊंगा कि हमारा रिलीजन कहता है कि जैसे आप दूसरे वाले, सामने वाले चीज पे नियत रखोगे, वही नियत आपको खुद पे काम आएगी। उन्होंने यहाँ पे कितनी चीजें की,
यहाँ पे हड़ताल करवाए, यहाँ पे स्टोन पेल्टिंग करवाए, यहाँ पे टेररिज्म को बढ़ावा दिया, अनगिनत चीजें हैं। आज उनको खुद हो रही है, उन्होंने हम पे ऐसी नियत रखी थी, आज उनको खुद काम आ रही है। जी पाकिस्तान को अपनी चीजों में जो टेररिज्म के लिए पैसा दे रहे, बेहतर है अपनी मुल्क की हालत सुधारे, वहां लोगों को रोजगार दे। उनका खाली हर एक जगह पे एक ही मसला होता है, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। अरे भाई साहब, तुम्हारा लेना देना क्या है कश्मीर से? तुम अपने मुल्क का देखो, अपने मुल्क का भला करो। जहां अभी हमने रिसेंटली देखा था कि 48 आवर्स तक वहां पे इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी पूरी कंट्री में ऑलमोस्ट, वो जी कंट्री क्या डेवलप होगी? वो कंट्री क्या ही चाहेगी कि जो उसकी नेबरिंग कंट्री कंट्री हो वो डेवलप हो? तो चाहेगी ना ये हमसे भी नीचे नीचे जाए। लेकिन वी नो व्हाट वी हैव टू डू एंड दे मस्ट नो व्हाट दे हैव टू डू। जी आखिर पर एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। एज ए कश्मीरी मुझे भी कभी कभार चुभन होती है जिस प्रकार से जो है कश्मीर का नाम आगे बदनाम किया जाता था। कई प्रोपेगेंडे चलाए जाते थे, आज भी कई प्रोपेगेंडे चलाए जाते थे। एज ए कश्मीरी आप क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या पैगाम देना चाहोगे, क्या बोलना चाहोगे पाकिस्तानी आवाम को या फिर जितने भी उनके जो एक ऊपरी लेवल पे जो है, एक पॉलिटिकल लेवल पे जो है प्रोपेगेंडा चलाते हैं हमारे नाम पे, क्या मैसेज देना चाहोगे आप उन्हें? ये मैसेज सिंपल एंड क्लियर है दैट कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। बाकी जो पीओके है वो भी उनको वापस एक ना एक दिन करना है। मैसेज इज सिंपल क्लियर है, कट है। चले बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने कई रियलिस्टिक चीजों से हमें आगाह कराया, बिकॉज कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तानी लोग, मेरा भी यही मकसद था चैनल स्टार्टअप करने का कि मैं रियल चेहरे जो है कश्मीर के आप तक भरपूर पहुंचाने की कोशिश करूं, बिकॉज जिस प्रकार से जो है पाकिस्तानी लोग जिस प्रकार से कश्मीरियों को बदनाम करते थे यूएन में या फिर इंटरनेशनल फोरम्स पे, तो मैं भी एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रही हूँ अपने लिए और मैं भी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के सपोर्ट से जो है मैं कश्मीर को ग्लोबली रिप्रेजेंट करूं और हर एक चेहरा जो है कश्मीर का रियल फेस आप तक भरपूर पहुंचाने की कोशिश करूं। तो मैम आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने कीमती लम्हात हमारे साथ निकालने के लिए। ऐसे ही रियलिस्टिक फेसेस आपको आगाह कराती रहूंगी, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहे। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर।